हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आज हम थोड़ा लेट हो गए हैं व्लॉग तैयार करने में, तो हम आए हैं शिमला में एडवांस स्टडी। तो आज आपको एडवांस स्टडी की सैर करवाते हैं, बहुत ही फेमस है ये जगह, तो आइए चलिए। हाँ भाई, राम राम भाइयों। भाई बहुत दिन पहले आने वाले थे यहाँ पे, लेकिन लेट हो गया यार, क्योंकि ये बंद था कोविड के चक्कर में। काफ़ी दिन बंद रहा भाई, अब जाके खुला है, तो इसका फ्रंट गेट दिखा देता हूँ मैं। तो ये जो है, ये एडवांस स्टडी का फ्रंट गेट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी। तो यहाँ से हम टिकट लेंगे, और ये पार्किंग है बाहर लंगूर बंदर। तो भी एंट्री ले लिया हमने, और यो कुछ है इनका केबिन वगैरह, जो भी गार्ड वगैरह बैठा करे। और यो मैप सोविंग वॉकिंग ट्रेल्स इन शिमला, तो शिमला का है यो सारा शायद, संकट मोचन। हाँ, पूरा शिमला का मैप है भाई। और काफ़ी और ज़्यादा हरियाली है। ये कुछ खाने से है भाई, और काफ़ी पुरानी जगह है ये, अंग्रेजों ने बनवाई थी, और अब ये म्यूजियम बन चुका है। हेलो आन्या। हेलो। आप कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? घूमी करके जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। हाँ, काफी दिन बाद निकले हैं भाई घूमने, बहुत दिन हो गए थे। बहुत दिन। हाँ, शिमला से कितनी दूर है ये? शिमला से ये है 2 किलोमीटर दूर। तो ज्यादा दूर ना शिमला में है भाई, पैदल भी आ सकते हैं हम यहाँ पे। हाँ। लोग माल रोड तो घूमने आते हैं। पता है, हम आए थे पैदल यार उस दिन, अखिल और मैं। लेकिन ये बंद था कोविड के चक्कर में, उस टाइम बंद था, नहीं तो भाई इसकी वीडियो आपने बहुत टाइम पहले ही मिल जाती एडवांस स्टडी की। आए थे हम बनान, लेकिन बंद था उस टाइम, कोई नहीं अब बना लेंगे। ओके हो भाई। ओ तेरी बहन का शीशा कौन, मैं तो इन्हें शीशा सोच गया था यार, ये तो प्लास्टिक का निकला कुछ। और ये गाड़ियां आ रही है, टैक्सी जा रही है, इससे अच्छी तो टैक्सी में आ जाते यार, पर्सनल गाड़ी लेने का यो टोटा हो गया हमारे। और भाई साहब कैसे हो? ठीक ठाक है भाई, मेरी मौसी का छोरा आ रहे। अच्छा, सब ना बता दे। और सब राजी खुशी? सब राजी खुशी भाई। क्यों गया जा, थक गया के? जंगल मारे हाले। ले बेरा नहीं बता के, तनु आए थे एडवांस स्टडी जान लग रहे हैं। अरे भाई, इतनी दूर पाए चला के एडवांस बनाए दी। शिमला में पता क्या है? बहुत जंगल घूम के कुछ खूबसूरत चीज दिखती है। इतना जंगल भी नहीं होना चाहिए। स्कूल आएगा। क्या आ गया हो? स्कूल आएगा। स्कूल? स्कूल है वो? हाँ। स्कूल को नहीं हो, एडवांस स्टडी से निकल रहे हैं। देख के मेरा पड़ता है। हाँ। भाई चलते चलो, सामने आ चुका है। और ये देखो कितनी अच्छी चीज लगी भाई, सिर्फ पेड़ के लिए ये ऐसे शेप में बना दी, सिर्फ इस पेड़ के लिए। ऊपर तो इंडिया झंडा है, तो यहाँ पे अंग्रेजों ने काफी साल राज किया भाई यहाँ पे, काफी इम्पोर्टेंट काम हुआ करते थे एडवांस स्टडी में। तो ये आ गया भाई प्रांगण एडवांस स्टडी का, यहाँ तो कोई भी ना दिख रहा, लेकिन सामने लोग जा रहे हैं भाई। कितनी पुरानी बिल्डिंग है ना गोलू, और अंग्रेजा के टाइम की है यार। यह क्या चीज है भाई गोलू, के पाओ भाई, वो इंजन है ये, दूध दाद लिख डायरेक्ट इसमें थे। फिलहाल अंदर शायद वो टिकट लेने गए हैं। और यो भाई काफी पुरानी बिल्डिंग है भाई, लेकिन बहुत खूबसूरत है। मिल गई टिकट पर पर्सन 200 दिखाइयो। तो एक अडल्ट की 200 रुपए। पकड़ो पकड़ो टिकट। आने की टिकट किधर है? तो ये यहाँ से पूरी बड़ी बिल्डिंग है भाई, अब आगे जाने लग रहे हैं। और एंट्री 320 पे है यहाँ पे, तो उससे पहले बाहर का दिखा देते हैं आपको।
भाई एक नंबर की फोटोग्राफी हो रही, करेंगे फोटोग्राफी भी। खाने पीने की वस्तुएं मुख्य भवन के आगे ले जाना मना है। ये रोड़ी राड़ी आ गई भाई आड़े तो, क्यों आ गई? क्या करोगे फिर इनका? इनका क्या खेल लोगे? इन तो पिट्ठू ना खेल लेता भाई। अच्छा इंडिया का झंडा, पहला ब्रिटिश का झंडा होया करता है अंग्रेजा का। देख लो अंग्रेज कितनी अच्छी अच्छी चीज छोड़ गए है ना, कितनी अच्छी अच्छी चीज छोड़ गए अंग्रेज और हमारे हमारे व्लॉग बनाने के लिए। फ्रंट का दिखाऊंगा मैं, पहले यार्ड का दिखा दो। पीछे तो देखो पीछे क्या है ये इतना बड़ा? पेड़ है ये, बिल्डिंग है ये। हाँ घास पर न चले, रास्ते का प्रयोग करें। इस रास्ते रास्ते जाना है, इस घास पे नो एंट्री है भाई। के खजाना दाब रखे है इसके भीतर, लेकिन रूल है भाई यहाँ पे, रूल तो फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये हो भाई बाहर का गेट, यो फ्रंट गेट है सामने एडवांस स्टडी का। ऊपर कुछ लिख भी रहा है, क्या लिख रहा है वो समझो ही ना आ रही, राइटिंग है समझो नहीं आ रही यार। तो 3:20 पे खुलेगी हो, तो इससे पहले भीतर जाने से पहले भाई बाहर का ही दिखा दे मैं आपते। गाइस इन्होंने कितनी अच्छी पेंटिंग बनाई है, एकदम एडवांस स्टडी का पूरा छापा छाप दिया इन्होंने, बहुत सुंदर मस्त कलर एकदम ओरिजिनल, ये इन भैया ने बनाई है। आपका पैशन है ये? आपका पैशन है ये? हाँ पैशन प्रोफेशन। ओके बहुत अच्छी बनाते हो आप। ये देखो इस भाई ने ये बनाई है भाई, बिल्कुल सेम सेम। इनका खुद का भी होगा शायद यूट्यूब चैनल। पीस शांति सुकून। गेट की कटिंग है ना, और यहाँ पे शायद नीचे जाने का आयो। बॉयो तो ठेठ जंगल ही लगे है। अंग्रेज आ रहा है पूरे कर रहे थे और के जमाई पूरे कर रहे थे यार, जगह बना रखी काचे काट रहे थे। देख ले उतरा तो हाँ चढ़ना मोतो जी काट दो। यू की है सामने? हाँ सामने के है वो सामने देखने की है। ना ना नीचे कुछ ना है गोलू, देख नीचे कुछ भी ना है, ऊपर ही चलना फिर दुखदाई हो जाएगा ऊपर चढ़ना। यो शायद एडवांस स्टडी का लास्ट पॉइंट है। तो इस पॉइंट पे भाई एक पार्क है, और उनकी सेब देखो कितनी मस्त काट रखे हैं ये। और सामने यो एक लड़की बन रही है भाई, पता नहीं क्या चीज है वो, जो लेडीज वो हो रही वो वाया चो छप रही लुगाई। इनको मैं इतनी अच्छी लगी, इन्होंने मेरी पिक्चर छाप दी तो मैं बीच में से निकल गई थी, तो ये मेरी है। अच्छा आपके यो देखो भाई नजारा। इस क्षेत्र में ड्रोन कैमरे से फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करना मना है। क्यों भाई कितना तो मस्त नजारा भाई, पहाड़े पहाड़। ये होटल्स वगैरह है क्या अंदर? शायद कुछ होगा अंदर खाने पीने का भी। फिलहाल ये रहे सारे लोग लुगाई। ये एक छोटा सा गेट, तो यहाँ पर बैठा ही भाई थोड़ी देर। मौसम भी बहुत जबरदस्त है, साफ है भाई। तो इसके अंदर एक जिम वगैरह लोग का भाई जिम वगैरह है,
और खेल परिसर खेल वगैरह होया अगर इसमें तो नीचे जाना बनता भी नहीं और बंद है वैसे भी। और जो सामने वो बिल्डिंग कितनी ज़बरदस्त लग रही है, इसका पीछे का है बिल्डिंग के, तो मैं बिल्डिंग के भी पीछे आया हूँ पीछे का दिखाने के लिए। काफ़ी बड़ी है यार। ऐसा लग रहा था सिर्फ ये बिल्डिंग बिल्डिंग है, लेकिन काफ़ी बड़े बड़े पार्क भाई यहाँ पे। और ये पता नहीं क्या बना रखा है, ये शायद स्विमिंग पूल होया करता था अंग्रेजों के टाइम का, नया करते अंग्रेज। बड़ा पार्क आ गया, ये एक पुतला है पत्थरों का, पत्थर का बना रखा भाई, टूटे उड़े का पाते कला करती तेरी। तो फिलहाल मैं बिल्डिंग की तरफ ही जा रहा हूँ भाई। तो ये एक पार्क है, छोटा सा पार्क, पार्क के पार्क बना रखे हैं तो संस्थान के खेल परिसर का रास्ता, ये था वो रास्ता भाई खेल परिसर का। तो फिलहाल चढ़ा हुआ पैड़ी और यहाँ पर आराम से बैठ के फोटो खिंचवा सका। यो जी रास्ता क्यों बनाया जब यो रास्ता ही था ही। तो ये वही नीचे का फोटो वोटो खींचन ला रहे लोग, पार्क है और सामने खेल परिसर का रास्ता है। ये शिमला वही अपनी सामने। तो टाइम भी होने वाला है और काफी देर हो गई, मैंने घर वालों से जुदा हुए, अभी पहुंचते हैं उन्हीं के पास। फोटो लेने का तैयार है भाई। तो टाइम हो चुका है भाई, 3:20 हो चुके हैं और सारे जाने लग रहे हैं। एंट्री स्टार्ट हो चुकी है, पच पच की आवाज आने लग रही है, पच पच के। कृपया व्हील चेयर के लिए टिकट काउंटर पर संपर्क करें। हाँ हाँ मास्क तो पहनना पड़ेगा। तो वही समय याचना चाहते हैं आपसे, अंदर का नहीं दिखा पाए, जिस चीज़ का डर था भाई वही चीज़ होगी अंदर है ना। फोटोग्राफी बिल्कुल अलाउ नहीं थी भाई, बिल्कुल भी, हम छुप को भी नहीं बना सकते भाई साहब। ये जो आदमी जाने लग रहे हैं इनका फ़ोन खोस लिया था है ना, बहुत मुश्किल से दिया है, रिक्वेस्ट इतनी कर ली, स्कूल में जो टीचर ले लिया करे ना फोन और दिया ना करे, वैसे ये जिद करने लग गया बेचारा, कितनी चोरी से बना रहा था फिर भी देख। हाँ 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 तो हमने रिस्क ना लिया भाई। तो भाई रिस्क तो हमने लिया नहीं, लेकिन रिस्क ना लेने के फायदे भी थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छी जानकारी मिली भाई। जो बंदा था, जो कर्मचारी था गवर्नमेंट का, उस बंदे ने बहुत सारी चीजें बताई हिस्ट्री एडवांस स्टडी के बारे में, वो तो हम भी खुद भी नहीं बता सकते थे। तो भाई जो इसकी एडवांस स्टडी की बहुत सारी खास बातें जानने को मिली वहाँ पे। इसको भाई स्टार्टिंग में 1884 में बनाना शुरू किया था और करीबन 4 साल लग गए इसको। मतलब शुरू में स्टार्टिंग में ऐसे एक कॉमन घर बनाया था एक बंदे के लिए, उस बंदे का नाम था लॉर्ड डफरिन, वाइसरॉय था वो इंडिया का उस टाइम का, उसके लिए वो घर बनाया गया था। लेकिन फिर बाद में भाई उसको IAS जब इंडिया आज़ाद हुआ, अंग्रेज वहाँ से गए, तो इसको एक इंस्टीट्यूट बना दिया गया। इसकी खास बात तो सबसे ज़्यादा तो यही है भाई, ये जो पूरी जो बिल्डिंग है अंदर से पूरी सांगवान की लकड़ी से बनाई गई है, और सबको पता है कि सांगवान की लकड़ी आसानी से जल जाती है, लेकिन इसका समाधान भी था।
इसका समाधान यार बड़ा रोचक था। उनने बोर्ड तो उस टाइम देखो कितना प्लान करा उनने, करा था भाई के बड़े बड़े पाइप लगा दिए थे, पाइप वो भी क्या के मोम के, उनके अंदर पानी भर दिया था, नाइट्रोजन की मात्रा भर दी थी, नाइट्रोजन गैस भर दी थी ताकि जब आग जले वहाँ पे आग लग जावे तो मोम जब पिघलेगा तो वो पानी और जो नाइट्रोजन होगी वो नीचे आ जाओगी और नीचे आकर सारी आग ऑटोमेटिकली बुझ जाओगी। देख लो उस टाइम कितना दिमाग लगाया गया था। और बाद में भाई ये कॉमन बिल्डिंग नहीं रही, बाद में बहुत सारे जो जरूरी जरूरी काम थे इंडिया के, जब इंडिया आज़ाद होने वाला था 1946 में जो अधिवेशन हुए थे शिमला का अधिवेशन आपने सुना हो तो वो यहीं पे हुआ था, महात्मा गांधी चाचा नेहरू सब आए थे भाई यहाँ पे और उन्होंने अधिवेशन किया था। और जो भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था वो इसी लॉज में बैठ के किया था, जो बंटवारा किया था भाई। तो बहुत सारी जो जरूरी जरूरी चीज़ें हुआ करती थी जो अब दिल्ली में होती हैं, क्योंकि दिल्ली फिलहाल क्या काफ़ी सालों से भारत की राजधानी है, लेकिन पहले शिमला को वो माना जाता था एक, क्योंकि वहाँ पे अंग्रेज़ ज़्यादा रहते थे ना, तो अंग्रेज़ जो इम्पोर्टेंट काम होते थे वो वहीं पे करते थे। तो आपने देखा होगा काफ़ी पुरानी पुरानी बिल्डिंग है भाई शिमला में, तो वो सब अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई थी। तो एक बहुत खूबसूरत इंस्टीट्यूट, फिलहाल तो इंस्टीट्यूट ही कहेंगे, लेकिन उस टाइम घर बनाया था उस बंदे का, लेकिन फिलहाल इंस्टीट्यूट बड़ा ज़बरदस्त बनाया गया है, अंदर से किताबें लाइब्रेरी ज़बरदस्त है, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं पीएचडी जो ज़्यादा पढ़ चुके हैं, स्कॉलरशिप जिनको मिलती है वो यहीं पे आके पढ़ाई वगैरह करते हैं, स्टडी वगैरह करते हैं, उनके पास स्पेशल गेस्ट रूम बनाए गए हैं और वहीं पे रहते हैं वो। फिलहाल आम बंदा जाकर भाई मेरे बरगा जाकर उठे फोटो भी को नहीं खींच सकता। तो यो था भाई हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दियो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए, ठीक है। आने वाले बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग आएंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय बाबा की, राम राम।